आने वाली पीढ़ी के लिए इस ग्रह पृथ्वी को बचाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। अब इस लंबे से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, आज यही सीखने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें, आप भी सीख पाएंगे कि कैसे हम छोटे से शुरू करते हुए स्टेप बाय स्टेप इस बड़े से सेंटेंस को सिस्टमेटिकली ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग, शुरू करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं कि एक तरीका है वृक्षारोपण। एक तरीका है वृक्षारोपण, एक तरीका है वृक्षारोपण, इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक तरीका है को हम यह भी बोलते हैं देयर इज अ वे, लेकिन वो रूल यहां सूट नहीं करने वाला, वो फिट नहीं बैठेगा। दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, वन वे इज, एक तरीका है अफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण। एक तरीका है वृक्षारोपण, वन वे इज अफॉरेस्टेशन, और तरीकों में से एक है वृक्षारोपण। तब वन ऑफ द वेज इज, एक तरीका है वन वे इज, तरीकों में से एक है, तो वन ऑफ द वेज इज। अब थोड़ा और बड़ा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज इज, लिखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज इज। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है कि वन ऑफ द, टू ऑफ द, मैनी ऑफ द, सम ऑफ द, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, वे नहीं होकर वेज, तरीकों में से एक। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज इज क्या मतलब हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। तो है अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी पीछे वाली बात बचा हुआ है, इज को हटाते हैं, यहां तक का हमने ट्रांसलेशन किया। तो सेंटेंस का बेस बनकर तैयार है। अब बाकी चीजों को हम पीछे चलते चले जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक शब्द समूह की इंग्लिश एक जगह, यानी एक फ्रेज की इंग्लिश एक जगह लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले फ्रेज के, फिर उसके बाद वाले फ्रेज के, और करते करते हम शुरू तक पहुंचेंगे। कैसे, देखिए कैसे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज, क्या करने के लिए, तो बचाए रखने के लिए, बचाना या बचाए रखना, तो टू सेव, टू सेव, यहां तक बन गया। कौन चीज को बचाए रखना, तो इस ग्रह पृथ्वी को। अब एक शब्द समूह यहां है, तो क्या हुआ, टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ, कहां तक बन गया, इस ग्रह पृथ्वी को, तो टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ। अब आगे है आने वाली पीढ़ी के लिए, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर फ्यूचर जेनरेशन, फॉर फ्यूचर जेनरेशन, कहां तक बन गया,
अब यहाँ से शुरू किए और पहुँच गए कहाँ तक, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस ग्रह पृथ्वी को बचाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक, अब इतने तक का इंग्लिश हमने बना लिया है, क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ फॉर फ्यूचर जेनरेशन है, तो इज है का भी बना दिया हम इज। अब बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, तो पहले बनेगा वृक्षारोपण। इंग्लिश में बहुत बात ऐसा लग रहा है कि हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक। अब बनाते बनाते आप भी अभ्यस्त हो जाएंगे और सारी बातें धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी। यहां पर क्या हुआ वृक्षारोपण का, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन वृक्षों की कटाई, वृक्षों की कटाई डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ों को बड़े पैमाने पर रोपना, तो क्या हुआ अफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ को रोपना बड़े पैमाने पर, तो ऑन अ लार्ज स्केल। चलिए बड़े पैमाने पर, इसका इंग्लिश ऑन अ लार्ज स्केल, पूरे का ट्रांसलेशन हम बना चुके। अब देखिए आने वाली पीढ़ी के लिए इस ग्रह पृथ्वी को बचाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, तो इसका हमने बाद में बनाया है यानी वर्ब। अब है से पहले वाली सारी बातों को हमने बनाया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ फॉर फ्यूचर जेनरेशन इज अफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक। ऐसे बनाए, बेस पहले हम ट्रांसलेट किए, उसके बाद बाकी चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए पीछे चलते चले गए बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक शब्द समूह की इंग्लिश एक जगह, फिर दूसरे शब्द समूह यानी फ्रेज की इंग्लिश, फिर तीसरे शब्द समूह की इंग्लिश लिखते चले गए और शुरू तक पहुंच गए। इसी तरह से आप सीखते रहिए और अपने इंग्लिश बेहतर करते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।